हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम एक्सरसाइज करने लग रहे हैं मैथ्स में 1.5। पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के पांच क्वेश्चंस भेज दिए थे। अब करते हैं बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है? फंक्शन एफ है रियल नंबर एक्सेप्टिंग वन से रियल नंबर एक्सेप्टिंग वन पे डिफाइन किया गया है। बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। क्लियर? सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। वन 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 के लिए डायग्राम बनाते हैं। फंक्शन एफ है रियल नंबर एक्सेप्टिंग वन से रियल नंबर एक्सेप्टिंग वन पे डिफाइन किया गया है। वन वन का क्या पैटर्न होता है? डोमेन में हम दो एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, कोई भी एक्स वन एंड एक्स टू। लेट एनी एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग करते हैं रियल नंबर एक्सेप्टिंग वन डोमेन वाला। अब पुट कर दीजिए एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स वन आपका बनेगा एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस वन। एफ ऑफ एक्स टू बनेगा एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स टू। एक्स वन एक्स टू कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास केवल एक आया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज वन वन। इसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं ऑन टू। ऑन टू का क्या पैटर्न बेटा? फंक्शन एफ है रियल नंबर एक्सेप्टिंग वन से रियल नंबर एक्सेप्टिंग वन पे डिफाइन किया गया है। अब आप एक एलिमेंट लेकर चलेंगे कोडोमेन से। लेट एनी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्टिंग वन कोडोमेन वाला। पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स आपके पास है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई। वाई को वाई अपॉन वन लिखेंगे। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू वाई में फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई। एक्स एक्स की टर्म एक तरफ करेंगे, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई। अब यहाँ से आप एक्स को मन निकाल देंगे, वन माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई। अब एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वाई अपॉन वाई माइनस वन। अब वाई की वैल्यू वन को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकती है, वन पे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये भी एक रियल नंबर ही होगा वन को छोड़ करके, और एक्स इसके बराबर है। तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? डोमेन में, यानी कि हर वाई की परी इमेज एग्जिस्ट करती है। दिस इम्प्लाइज दैट ईच वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्टिंग वन को डोमेन हैव इट्स परी इमेज एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई माइनस वन बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्टिंग वन डोमेन वाला। अब इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और फंक्शन बाइजेक्टिव है इट मीन्स इन्वर्टिबल होगा। इसके बाद टू फाइंड एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स बताने का पैटर्न बिल्कुल ऑन टू वाला चलता है। पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब आपके पास हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एक्स कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से हो जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई।
और x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी y अपॉन y माइनस वन। अब आपने एफ एक्स को y पुट किया था, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप बताएंगे तो सिंपल f इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब f इन्वर्स y इज इक्वल्स टू y अपॉन y माइनस वन। आप अपना रिस्पॉन्स x वेरिएबल में भी दे सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा f इन्वर्स x इज इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस वन। ये रिजल्ट क्लियर। ये था सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। बेटा सिक्स क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर एक्सेप्टिंग जीरो टू रियल नंबर एक्सेप्टिंग जीरो गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन एक्स। बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट। ट्राई योर सेल्फ। क्लियर। इसके बाद चलते हैं बेटा हम इसके सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर एक्सेप्टिंग माइनस थ्री अपॉन फाइव टू रियल नंबर एक्सेप्टिंग टू अपॉन फाइव गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स अपॉन फाइव एक्स प्लस थ्री। इसका सॉल्यूशन बेटा बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट। ट्राई योर सेल्फ। इसके बाद बेटा सेवंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसमें एक फंक्शन एफ है जो रियल नंबर टू को छोड़कर से रियल नंबर वन को छोड़कर पे डिफाइन किया गया है गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट। ट्राई योर सेल्फ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है फंक्शन एफ है जो रियल नंबर एक्सेप्टिंग थ्री टू रियल नंबर एक्सेप्टिंग टू पे डिफाइन किया गया है गिवन बाय फंक्शन इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल सिक्स्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट जैसा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन से बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट। ट्राई योर सेल्फ। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट में। क्वेश्चन नंबर एट में फंक्शन एफ है रियल नंबर पॉजिटिव से फोर टू इन्फिनिटी के इंटरवल पे डिफाइन किया गया है गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर। फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए फंक्शन एफ है वो आर पॉजिटिव से जीरो फोर टू इन्फिनिटी के इंटरवल पे डिफाइन किया गया है। अब वन वन चेक करने का आपका पैटर्न क्या होता है, डोमेन से आपने दो एलिमेंट्स लेने होते हैं एक्स वन एंड एक्स टू। लेट एनी एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। पुट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स वन आपका बनेगा एक्स वन स्क्वेयर प्लस फोर। एफ ऑफ एक्स टू आपका बनेगा एक्स टू स्क्वेयर प्लस फोर। फोर से बेटा फोर कैंसिल हो जाएगा, इनको एक तरफ लिख के आइए एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जीरो। फैक्टर करेंगे आप इसके एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये पोर्शन जीरो नहीं हो सकता आपका, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा एक्स वन माइनस एक्स टू जीरो है
और इसका मतलब आपके पास हो जाएगा एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू। केवल एक सिंगल रिजल्ट है, सिंगल रिजल्ट है, इसका मतलब फंक्शन इज वन वन। इसके बाद चलते हैं हम बेटा ऑन टू पे। ऑन टू में फिर से डायग्राम बनाते हैं। फंक्शन एफ है आर पॉजिटिव से फोर टू इन्फिनिटी के इंटरवल पे डिफाइन किया गया है। अब हम एक वाई एलिमेंट लेकर के चलते हैं। लेट एनी वाई बिलोंग्स टू फोर टू इन्फिनिटी कोडोमेन। अब आप पुट कर दीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू वाई। अब हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू वाई में बताएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस फोर और एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ वाई माइनस फोर। हम माइनस क्यों नहीं ले रहे यहाँ पर, क्योंकि केवल यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अब आप यहाँ पर वाई की वैल्यू फोर या फोर से बड़ी कोई भी पुट कर सकते हैं। फोर पुट करेंगे तो जीरो, इससे बड़ी पुट करेंगे तो पॉजिटिव, यानी कि कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं है। तो ये आर पॉजिटिव से बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा तो डोमेन में मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ईच वाई बिलोंग्स टू फोर टू इन्फिनिटी कोडोमेन हैव इट्स परी इमेज एक्स इज इक्वल्स टू रूट वाई माइनस फोर डोमेन। क्लियर। अब बेटा हम इस फंक्शन का निकालते हैं इनवर्स। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल क्यों हुआ, क्योंकि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मीन्स वन वन भी है और ऑन टू भी है। इसके बाद टू फाइंड एफ इनवर्स। अब इस फंक्शन का इनवर्स बताएंगे। इनवर्स बताने का बिल्कुल ऑन टू वाला पैटर्न होता है। पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस फोर और एक्स की वैल्यू रूट ऑफ वाई माइनस फोर। वैसे प्लस माइनस होता है लेकिन हम माइनस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि एक्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब एफ एक्स किसके इक्वल था, वाई के। इट मीन्स एक्स की वैल्यू बताएंगे तो एफ उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा। एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई माइनस फोर। अब एक फंक्शन अगर ए सेट से बी सेट पर डिफाइन करता है तो इनवर्स बी से ए पर डिफाइन करेगा। इट मीन्स एफ इनवर्स इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम फोर टू इन्फिनिटी टू आर पॉजिटिव गिवन बाई। आप अपना रिजल्ट एक्स में भी दे सकते हैं। एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस फोर। क्लियर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में। अब की बार एनुअल एग्जाम में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया है। फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू रियल गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस फिफ्टीन। अब आपने इस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव नहीं करना, आपने किस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है, नेचुरल से रेंज ऑफ एफ। रेंज में केवल वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी परी इमेज एग्जिस्ट करती होगी। गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस फिफ्टीन। अब देखो हम इसको इन्वर्टिबल प्रूव करते हैं। सबसे पहले वन वन, ये बेटा फंक्शन एफ है जो नेचुरल से रेंज ऑफ एफ पे डिफाइन किया गया है। रेंज ऑफ एफ, अब रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे ये भी हम आपको बाद में बताएंगे। अब वन वन का पैटर्न क्या होता है, यहाँ से दो एलिमेंट्स लीजिए। लेट एनी एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से डोमेन से। अब आप इसमें पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स वन क्या बनेगा, फोर एक्स वन स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वन प्लस फिफ्टीन। ये क्या बनेगा, फोर एक्स टू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स टू प्लस फिफ्टीन। फिफ्टीन से फिफ्टीन कैंसिल हो गया, दोनों तरफ फोर कॉमन लेकर कैंसिल कर देना। एक्स वन स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वन, एक्स टू स्क्वायर प्लस थ्री एक्स टू, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए।
एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू इज इक्वल्स टू जीरो। इसके फैक्टर होंगे एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू, प्लस थ्री कॉमन ले लीजिए, एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों स्पेस से एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये पोर्शन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स वन और एक्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो केवल एक ही ऑप्शन हुआ एक्स वन माइनस एक्स टू जीरो है, और इसका मतलब एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज वन वन। इसके बाद चलते हैं बेटा ऑन टू पे। ऑन टू में ये तो आपके पास डायग्राम फंक्शन एफ है जो नेचुरल से रेंज ऑफ एफ पर डिफाइन कर रखे है। यहाँ से आप एक वाई एलिमेंट लीजिए, लेट एनी वाई बिलोंग करता है रेंज ऑफ एफ से, पुट कर दीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स आपके पास है वाई फोर एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल्स टू वाई। वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कीजिए, फोर एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस फिफ्टीन माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। वाई को आप कॉन्स्टेंट के साथ शामिल कर लीजिए। इसके बाद अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स की वैल्यू निकालने का क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब माइनस बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है ट्वेल्व, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर वन फोर्टी फोर माइनस फोर ए सी, सॉरी बी की वैल्यू ट्वेल्व, ए की वैल्यू है फोर और सी की वैल्यू है फिफ्टीन माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू ए, ए की वैल्यू है फोर। आपके पास हो जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस रूट ऑफ वन फोर्टी फोर माइनस सिक्सटीन को अंदर मल्टीप्लाई, सिक्सटीन एज इट इज रख दीजिए, फिफ्टीन माइनस वाई अपॉन एट। अब आप यहाँ से 16 को कॉमन ले लीजिए, माइनस ट्वेल्व, सिक्सटीन रूट से बाहर निकलेगा फोर बन जाएगा, इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस वाई अपॉन एट। क्लियर। अब फोर ऊपर से कॉमन निकाल दीजिए, फोर से एट कैंसिल कर देंगे, माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू, फोर कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया गया। अब अगर बीच में हम माइनस रखेंगे तो x एक नेगेटिव नंबर बनेगा जो कि नेचुरल नहीं है, इसलिए इस माइनस को हटा दीजिए, माइनस थ्री प्लस रूट ऑफ y माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू। अब हम बताते हैं डोमेन में क्या क्या नंबर, सॉरी रेंज में क्या क्या नंबर्स आपके पास आएंगे। अब अगर आप x की वैल्यू वन लेते हैं, वन लेते हैं तो आप यहाँ पुट करेंगे फोर प्लस ट्वेल्व सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फिफ्टीन क्या हो जाएगा थर्टी वन। इसके बाद अगर आप टू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्सटीन, सिक्सटीन और प्लस फिफ्टीन हो जाएगा थर्टी वन, थर्टी वन में और ट्वेंटी फोर और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा फिफ्टी फाइव एंड सो ऑन, ये नंबर्स बनते जाएंगे। अब आप सबसे पहले यहाँ पे थर्टी वन पुट करेंगे, जब आप यहाँ 31 पुट करेंगे, 31 माइनस सिक्स 25 का रूट क्या होगा 5, 5 प्लस के 3 माइनस के 2, 2 बाई 2 क्या होगा 1, यानी कि नेचुरल नंबर है, यानी कि x हर केस में आपके पास नेचुरल नंबर आएगा, आएगा तो डोमेन में बिलोंग करेगा, करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ ईच y बिलोंग्स टू रेंज हैव इट्स परी इमेज इन
natural number, domain. It means function is onto. Function onto भी है. It means function is bijective. और जब function bijective होता है, it means वो invertible होता है. Invertible होगा. इसके बाद बेटा to find f inverse. अब f inverse निकालने का बिल्कुल सेम वही पैटर्न होता है onto का. पुट कर दीजिए fx is equals to y. fx आपके पास है 4x square plus 12x plus 15 is equals to y. 4x square plus 12x plus 15 minus y is equals to 0. y को कांस्टेंट के साथ शामिल कर दीजिए और अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही x की वैल्यू आपके पास आएगी minus 3 plus root of y minus 6 upon 2. पॉइंट टू वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है. अब x एफ एक्स किसके इक्वल है y के, तो x की वैल्यू बताएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास f इनवर्स y इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस रूट ऑफ y माइनस 6 अपॉन 2. आप अपना जवाब x में भी दे सकते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 6 अपॉन 2. ये बेटा इस फंक्शन का इनवर्स है. और f इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, रेंज से, नेचुरल नंबर पे डिफाइन होगा. इज गिवन बाय f इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2. ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होता है. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है बिल्कुल सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 9. ट्राई योर सेल्फ, क्लियर. अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या है बेटा, फंक्शन एफ है 0 से इन्फिनिटी पे डिफाइन किया गया है से रियल नंबर पे. गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. पहले तो आपने ये प्रूव करना है कि ये इन्वर्टिबल नहीं है. किस वजह से नहीं, देखिए 1 1 फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू रियल नंबर, क्लियर. लेट एनी एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी डोमेन. पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू 9x1 square plus 6x1 minus 5. 9x2 square plus 6x2 minus 5. Minus 5 से minus 5 cancel हो गया, 3 common लेकर cancel कर दें. 3x1 square plus 2x1 is equals to 3x2 square plus 2x2. सभी को left में transfer कर दें. 3x1 square minus 3x2 square प्लस 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू 0. 3 इसके फैक्टर कर देंगे x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस 2 को मूल्य लेंगे x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0. अब x1 माइनस x2 को कॉमन निकाल दें, अब आपके पास बचेगा 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये पोर्शन 0 नहीं हो सकता क्योंकि x1 और x2 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग करते हैं. तो केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, x1 माइनस x2 0 है. इट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2. इट मीन्स फंक्शन इज 1 1. इसके बाद चलते हैं बेटा ऑन टू के अंदर. ऑन टू में फंक्शन f है, फंक्शन f 0 टू इन्फिनिटी से रियल नंबर पे डिफाइन कर रखे है. तो यहां से हम एक y लेकर के चलते हैं. लेट एनी y बिलोंग्स टू R को डोमेन. अब आप पुट कर दीजिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू y.
अब एफ एक्स आपके पास क्या है, 9x² प्लस 6x प्लस 5 सॉरी माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई। वाई को लेफ्ट में लीजिए, 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो वाई प्लस की हो जाएगी, कॉन्स्टेंट में शामिल कर दीजिए। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी की वैल्यू माइनस से प्लस हो जाएगी, 36 इंटू 5 प्लस वाई अपॉन 2a 18। यहाँ से 36 कॉमन लेंगे बाहर 6 बन जाएगा, माइनस 6 प्लस माइनस 6 रूट ऑफ 1 प्लस 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 18। ऊपर से 6 कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, माइनस 6 प्लस माइनस हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी के नंबर्स हैं, रूट ऑफ 6 प्लस वाई यहाँ हो जाएगा बेटा आपके पास 3। 6 हमने कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया। अब रूट में नेगेटिव नंबर्स भी बनते हैं अगर हम रियल नंबर लेते हैं तो सारे, जैसे माइनस 7 लेंगे तो ये रियल नंबर नहीं रहेगा, इसलिए वाई की वैल्यू वाई कैन नॉट बिलोंग्स टू रियल। अगर हम वाई के लिए रियल लेते हैं तो यहाँ नेगेटिव नंबर बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो एक्स 0 टू इन्फिनिटी में बिलोंग नहीं करेगा। इस दिस इम्प्लाई दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू यहाँ पे, लेकिन एक कंडीशन लगा देंगे, माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस वाई अपॉन 3, तो आप बोलेंगे कि वाई की वैल्यू यहाँ पे 5 टू इन्फिनिटी लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि माइनस 5 टू इन्फिनिटी, अगर माइनस 5 लेते हैं तो यहाँ बचेगा प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन 0, और माइनस 5 से बड़े नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो ही माइनस 5 से छोटे नंबर लेंगे तो ये नंबर आपके पास नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये आपके पास है कंडीशन। इसमें कंडीशन पूछी गई थी, वो कंडीशन बताओ कि फंक्शन ऑन टू हो जाए, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज ऑन टू, और फंक्शन ऑन टू भी हो गया तो इसका मतलब फंक्शन इज इनवर्टिबल, क्लियर। और फंक्शन इनवर्टिबल हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अब इसका बेटा इनवर्स टू फाइंड एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब मैं बिल्कुल सीधा अपने जवाब पे आता हूँ, एफ एक्स आपके पास है 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, बिल्कुल ऑन टू वाला पैटर्न फॉलो करते हुए एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। अब आपने एक्स की वैल्यू बताएंगे तो एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस वाई अपॉन 3। जवाब आप एक्स में भी दे सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस एक्स अपॉन 3। तो एफ इनवर्स एक फंक्शन होगा जो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ये था माइनस 5 टू इन्फिनिटी, माइनस 5 टू इन्फिनिटी से, और डोमेन क्या थी आपके पास 0 टू इन्फिनिटी गिवन बाई एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस एक्स अपॉन 3। बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसको फिर नोटबुक में बिल्कुल साफ और सुंदर काम करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो फोन निकल ली डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू।